अच्छा जी, तो हम लोगों को जो है ये इंटरनल और एक्सटर्नल डिग्री की जो है वो हमारे पास जो है वो हमें समझ आ गई। तो इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो अगर हमारे पास एक कोई नोड है और उसकी एक्सटर्नल डिग्री हमारे पास 0 है, तो इसका ये मतलब है कि वो नोड जो है वो हमारे पास स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। अच्छा जी, तो अभी हम लोगों को जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल डिग्री की समझ आ गई। और अगर हम लोग ये कहें कि एक कम्युनिटी है जिसके अंदर हमारे पास जो है वो उसकी सारी की सारी नोड्स की हमारे पास एक्सटर्नल डिग्री जो है हमारे पास 0 है या क्लोज टू 0 है, तो हम लोग जो है वो ये कहेंगे कि वो एक अच्छी कम्युनिटी है। क्यों? क्योंकि उस कम्युनिटी के अंदर जो नोड्स हैं वो सारी की सारी विद इन द कम्युनिटी हमारे पास कनेक्टेड है। ठीक है, और हम लोग ये कहेंगे कि अगर हमारे पास जो है वो किसी एक नोड की इंटरनल डिग्री 0 है, तो वो हमारे पास नोड जो है वो कम्युनिटी के अंदर मिसफिट होगी, क्योंकि उसकी इंटरनल डिग्री 0 होने का मतलब ये है कि विद इन द कम्युनिटी हमारे पास उसका कोई एच एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो इन दो प्रॉपर्टीज़ को, इंटरनल और एक्सटर्नल डिग्री को यूज़ करते हुए हम लोग स्ट्रॉन्ग और वीक कम्युनिटी को जो है हम लोग डिफाइन करते हैं। हमारे पास जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी क्या होगी कि सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना है कि एक हमारे पास नोड है वो कम्युनिटी सी से बिलोंग कर रही है, और उस कम्युनिटी के अंदर उसकी इंटरनल डिग्री क्या है। ठीक है, उसे हम लोग के आई इंटरनल ऑफ सी हम लोग कह देते हैं कि नोड आई है हमारे पास, उसकी इंटरनल डिग्री विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिटी सी कितनी है। ठीक है, और हम लोग ये देख लेते हैं कि उसकी हमारे पास एक्सटर्नल डिग्री कितनी है। ठीक है, तो हमारे पास अगर उसकी इंटरनल डिग्री एक्सटर्नल डिग्री से ज़्यादा होती है, एंड दिस होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल द नोड्स इन द कम्युनिटी, तो उस कम्युनिटी को हम लोग कहते हैं कि वो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। या इसे अगर कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी के अंदर जितनी भी नोड्स होंगी उनकी इंटरनल डिग्री जो है वो एक्सक्लूसिवली ज़्यादा होगी एक्सटर्नल डिग्री से। ठीक है, तो अगर हम लोग ये ऑरेंज वाली एग्जांपल देखें तो इसके अंदर हमारे पास हर नोड की इंटरनल डिग्री हमारे पास 3 है। ठीक है, और हर नोड की एक्सटर्नल डिग्री हमारे पास जो है वो 1 बन रही है। तो अगर हर नोड को हम लोग इंडिविजुअली देखें तो हमारे पास उसकी हर उसके लिए कंडीशन जो है हमारे पास ये ट्रू हो रही है कि इंटरनल ऑफ आई सी इज ग्रेटर देन के इंटरनल ऑफ आई सी। तो ये हमारे पास ऑरेंज कम्युनिटी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। व्हाट अबाउट पर्पल वन? पर्पल के अंदर जो टॉप पे नोड है इसकी इंटरनल डिग्री कितनी है? फिर इसकी इंटरनल डिग्री 2 है सर। एक्सटर्नल जीरो 0 है सर। जीरो है, तो ये कंडीशन ट्रू है इस नोड के लिए कि इंटरनल इज ग्रेटर देन के एक्सटर्नल। हाँ सर, ट्रू है इस केस में। ठीक है, और इससे आगे जो दो नोड्स कनेक्टेड हैं इनकी इंटरनल डिग्री कितनी है और एक्सटर्नल डिग्री कितनी है? सर इंटरनल इनके इंटरनल सर इसकी सर इनकी 4 है और एक्सटर्नल ठीक 0 है सर इनकी। है, तो इनके लिए भी कंडीशन होल्ड कर रही है? जी जी सर, फोन सर। कर रही है सर। ठीक है, वट अबाउट द नेक्स्ट टू पर्पल नोड्स, उनकी इंटरनल डिग्री कितनी, एक्सटर्नल डिग्री कितनी है? इंटरनल थ्री इंटरनल एक्सटर्नल वन है। इंटरनल इंटरनल 3 है इन दोनों की और एक्सटर्नल 1 है इन दोनों की। ठीक है, इस इन दोनों के लिए भी कंडीशन होल्ड कर रही है? ठीक जी सर। है, तो इसका मतलब ये पर्पल नोड्स पे जो कम्युनिटी फॉर्म कर रही है ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। ठीक है, नाउ यू सी दैट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज बिट मोर फ्लेक्सीबल देन द क्लिक, राइट? अच्छा, अब इसके अंदर मुझे बताएं कि ये ऊपर वाली हम लोगों ने 5 नोड्स को तो देख लिया, व्हाट अबाउट दिस वन, द ग्रीन नोड एट द बॉटम, इसकी इंटरनल डिग्री कितनी है, एक्सटर्नल डिग्री कितनी है? इक्वल है इक्वल है सर। तो इसके लिए कंडीशन होल्ड कर रही है या नहीं? नहीं कर रही सर। नहीं कर रही, नहीं। तो इसका मतलब है कि ये जो ग्रीन नोड्स हैं दे डू नॉट फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, राइट? तो इस चीज़ को अगर हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट करना हो तो इस चीज़ को हम लोग कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होती है उसके अंदर हम लोग नोड लेवल के ऊपर जो है वो देख रहे होते हैं कि हर नोड की इंटरनल डिग्री जो है वो उसकी एक्सटर्नल डिग्री से जो है वो हमारे पास आता हो। जो हमारे पास वीक कम्युनिटीज होती हैं उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं
कि हर नोड की जो है वो एक मिलिटी के अंदर जितनी भी नोड्स हैं उनकी इंटरनल डिग्रीज को ऐड कर लेते हैं, मतलब इसकी इंटरनल डिग्री को ऐड कर लेंगे तो 2 + 4 + 4 + 4 + 4 और इस केस में प्लस 2, तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी 16 + 4 हमारे पास 20 इसकी इंटरनल डिग्री हो जाएगी। और इसकी एक्सटर्नल डिग्री हम लोग देख लेंगे, एक्सटर्नल डिग्री जो है वो हमारे पास कितनी है, इसके अंदर सिर्फ एक ही नोड है जिसकी एक्सटर्नल डिग्री हमारे पास जो है वो 2 है। तो इस ग्रीन सेट ऑफ नोड्स को अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास दे फॉर्म अ वीक कम्युनिटी, ठीक है। तो इसके अंदर क्यों, क्योंकि सम ऑफ जो इंटरनल डिग्रीज है इट मस्ट बी ग्रेटर देन सम ऑफ एक्सटर्नल डिग्रीज। तो इसके अंदर हमारे पास सम ऑफ इंटरनल डिग्रीज जो है वो हमारे पास कितना 20 हम लोग ने कैलकुलेट किया था, और सम ऑफ इंटरनल डिग्रीज जो है वो हमारे पास सिर्फ एक नोट की तो इंटरनल डिग्री एक्सटर्नल डिग्री थी, बाकी सारों की एक्सटर्नल डिग्री जीरो थी। तो 20 इज ग्रेटर देन 2 ये कंडीशन होल्ड करिए, तो इस हिसाब से ही हमारे पास एक वीक कम्युनिटी है, ठीक है। बट पर्सनली आई थिंक दैट दिस पर्टिकुलर में गलती नहीं है थोड़ी सी, किस लिहाज से सर, ये अगर बी नंबर ग्राफ देख ले तो उस केस में भी हमारे पास जी एक एट अ टाइम एक इस्लाम पहले आप बता पूछ रहे सर, अगर हम बी नंबर ग्राफ को देख ले तो उसमें भी तो हमारे पास अगर हम इंटरनल एक्सटर्नल के केस को देख ले तो इंटरनल इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल। हां तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, एवरी स्ट्रांग कम्युनिटी इज अ वीक कम्युनिटी। ओके सर जी, एक और भी कोई कमेंट था सर, ये कह रही थी कि ये जो ग्रीन नोड है एंड में जिसकी जो है ना इंटरनल 2 और एक्सटर्नल 2 है, इसको अगर हम इस नेटवर्क के पार्ट से मतलब इस कम्युनिटी से निकाल दें तो फिर वो वीक से स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, और ये कैसे हो सकता है ऐसे ऐसा? हाँ जी, अभी हम लोग सिर्फ ये हम लोग कह रहे हैं कि हमारे पास कम्युनिटीज बनी हुई हैं, उन्हें हम लोग देख रहे हैं कि वो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज हैं वीक कम्युनिटीज हैं। इन इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग कम्युनिटीज को भी आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, सिर्फ एक ये कि हमें अगर गिवन हो कि ये कम्युनिटीज हैं तो उसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं, ठीक है। क्योंकि अदरवाइज अगर आप देखें तो ये वीक कम्युनिटी जो है ना ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सीबल किस्म का हमारे पास एक वो बनता है। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को देखें, अगर आप नेचुरली देखें तो आपके पास ये जो ग्रे नोड जो बन रही है जिसपे मैंने अभी पॉइंटर रखा हुआ है, ये हमारे पास जो है इस ग्रीन कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इसको इंक्लूड कर लेते हैं ग्रीन वाले के पार्ट के साथ तो हमारे पास इंटरनल डिग्री जो है वो हमारे पास 1 ज़्यादा हो जाएगी, और एक्सटर्नल डिग्री जो है वो हमारे पास 3x हो जाएगी, मतलब 3 जो है वो हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारे पास स्टिल जो सम ऑफ इंटरनल डिग्रीज है दैट वुड स्टिल रिमेन ग्रेटर देन द सम ऑफ एक्सटर्नल डिग्रीज, ठीक है। तो ये जस्ट एक दिखाने के लिए आपको एग्जांपल दी भी है, अदरवाइज इसको हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा कोई एल्गोरिदम्स है नहीं जिनके अंदर हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ये जस्ट हम लोग थोड़ा सा हम लोग बिल्डअप कर रहे हैं कि क्लिक से हम लोग स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज पे, स्ट्रॉन्ग से हम लोग वीक कम्युनिटीज पे, फिर आके इसके ऊपर हम लोग जो है वो बिल्ड करेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चंस आप लोगों के? नो सर।